यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम् सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां परमश्रद्धेयाः परमादरणीयाः परमपूज्याः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयः डॉक्टर दशरथ जाधव जी महोदयः तथा च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः मे गुरवः डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्या जी महोदयः अत्रावसरे एतद् विज्ञाप्य अस्माभिः आनन्दम् अनुभूयते यद् विज्ञान माध्यमेन श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन अयम् एकः प्रकल्पः जनानां पुरस्तात् लोककल्याणाय प्रस्थाप्यते। आज मुझे ये बात सब भारतीय लोगों को और वैश्विक नागरिक को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इस विज्ञान युग में ज्ञान का समन्वय होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के इस भयंकर काल में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एक श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला का आयोजन आज दिनांक 9 से लेके 20 तारीख तक माने 12 दिन तक एक व्याख्यान माला का आयोजन श्री सोमनाथ विश्वविद्यालय माननीय कुलपति श्री और कुल सचिव श्री की प्रेरणा से करने जा रहे हैं। 12 दिन की इस व्याख्यान माला में श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज के पास 7 ही दिन बचे थे और फिर भी उन्होंने अपने आत्मकल्याण के लिए गुरु शरण में जाकर ये भागवत का श्रवण किया था। तो इस कोरोना महामारी में जो लोग अपना शरीर छोड़ चुके हैं और जो इस रोग से भयभीत है उन सब के लिए भयमुक्त करने के लिए और विश्व कल्याण करने के लिए श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ये भागवत व्याख्यान माला का आयोजन कर रहा है, वो हर्ष का विषय है। हम परमात्मा को भगवान सोमनाथ को प्रार्थना करते हैं कि जगत में विश्व में आरोग्य का एक प्रस्थापन हो, जगत का कल्याण हो और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का ये प्रकल्प वास्तव में जगत हिताय लोक कल्याणाय सुरक्षित हो और प्रस्थापित हो। इस व्याख्यान माला में हमें व्याख्याता के रूप में जो भगवत कृपा से प्राप्त हुए हैं गणमान्य विद्वानों में से एक ऐसे हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्या जी महोदय हैं जो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के संचालित संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य है। अनेक शास्त्रों में उनकी गति है, भागवत विद्यापीठ में उन्होंने अभ्यास भी किया, प्राध्यापक के रूप में काम कार्य किया और आचार्य के तौर पर भी उन्होंने वहाँ अपना कार्य निभाया। फिर सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में वो 2008 से अभी कार्यान्वित है आचार्य के पद पर, जिनका हमें इस व्याख्यान माला में वक्ता के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में लाभ प्राप्त होने वाला है। तो मैं सुग्न सामाजिक लोगों को और विश्व में इस विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि हर रोज 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक शाम को 5 बजे 6 बजे तक 1 घंटे तक श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा फेसबुक पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला का आयोजन हम करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और जगत का कल्याण हो, विश्व आरोग्य प्राप्त करे, ऐसी शुभ भावना से ये हम शुभ संकल्प के साथ ये कार्य करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय कुलपति साहब को निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर वो आप अपना प्रसंगोचित उद्बोधन करें और विज्ञान के इस युग में वो ऑनलाइन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। इसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर कुलपति श्री गोपबंधु मिश्र साहब को सादर निवेदन करता हूं कि ये उनका उद्घाटन करें इस कार्यक्रम का। आदरणीय कुलपति श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः।
वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकम् करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि निगम कल्पतरोर्दलितं फलम् चुत मुखादमृत द्रव संकुलम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः जयतु श्री सोमनाथ मान्याः सचिव महोदयाः अस्माकं विद्वद्वरेण्यः प्रधानाचार्य महोदयः पूज्याः डाक्टर् नरेन्द्र कुमार पण्ड्या महोदयाः डाक्टर् पंकज रावल महोदयाः अपरे अत्र विद्यमानाः अस्माकं तेषां महत्या सहायतया एषः कार्यक्रमः प्रसिद्धः इति तत् हरेश महोदयाः किञ्च विशालः एवम् उपरि अपि सर्वेपि श्रोतारः बान्धवाः श्री सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः अद्य आरभ्य द्वादशदिनानि यावत् एषः महान् प्रकल्पः श्रीमद् भागवतमहापुराणस्य व्याख्यानवाला विशेषः श्रीमता विद्वद्वरेण्येन डाक्टर् नरेन्द्रकुमार पण्ड्या महोदयेन सन्तालनीयः अस्ति इति परमस्य मूलस्य अयं विषयः इस सन्दर्भ में जो भूमिका डॉक्टर पंकज जी ने रखी थी और जो आज का संदर्भ है संपूर्ण विश्व अभी इस मंगलाचरण में श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में ही कहा है कि यह वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान तापत्रय विनाशकारी हैं। तापत्रय आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापत्रय का उल्लेख हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है और इस समय एक कोरोना नामक कीटाणु के ताप से जिसको हम आदि भौतिक ताप कह सकते हैं उसके ताप से संपूर्ण ताप त्रय से ग्रस्त संपूर्ण विश्व है। केवल एक ही ताप नहीं है, इसमें आध्यात्मिक ताप भी आ गया क्योंकि अभी मानसिक और शारीरिक व्याधि से शतशः नहीं सहस्रशः नहीं लक्षशः लोग त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं और त्राही त्राही सर्वत्र ध्वनि है। संपूर्ण विश्व इसमें बड़ा अत्यंत त्रस्त है और साथ साथ आधी ये कभी लगता है कि आधी दैविक जो भूकंप आदि होता है उसके लिए तो कदाचित कोई प्रस्तुत होता नहीं है, लेकिन उसकी अवधि होती है एक आध दिन कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक। यह तो लग नहीं रहा है कि यह संकट विश्वव्यापी है, संकट कब विश्व से दूर होगा, कैसे दूर होगा। हमें अपना विश्वास है, हमारी यह संस्कृति है और हमारी जीवन पद्धति का यह एक अंग है कि हम विश्वास रखते हैं कि भगवत कृपा से ही यह संभव होगा। भगवत लीला को समझना कठिन है, अपरंपार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत लीला जो इस प्रकार से वर्णित है वह
संकेत देती है कि उसको समझना किसी मनुष्य के बस में या किसी समय के अवधि में जीने वाली एक पीढ़ी के बस में यह शक्य नहीं है। यह केवल उनकी कृपा और अनुग्रह का विषय हो सकता है जो थोड़ा सा उसमें समझने और न समझने पर भी उसके अनुग्रह से इन तापत्रयों से दूर हो सकता है मनुष्य। जिस कारण से ये ताप आए हों वो कारण संपूर्ण रूप से विनष्ट हो इसके लिए अर्थात संपूर्ण विश्व इस आतंक से मुक्त हो जाए, केवल हमारा राष्ट्र नहीं, हमारा प्रांत नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं, संपूर्ण राज संपूर्ण विश्व इस संकट से दूर मुक्त हो, इस विश्व कल्याण की प्रार्थना के को ध्यान में रखकर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से यह जो भगवत कृपा की के लिए प्रार्थना करते हुए यह श्री बौद्ध भागवत महापुराण व्याख्यान माला का प्रारंभ हुआ है। यह अत्यंत ही समय उपयोगी है, अत्यंत सौभाग्य है और जितना भी हो जितना अधिक हो अधिक से अधिक भगवत अनुग्रह हमें प्राप्त हो वह केवल आज हम लोगों के संदर्भ में प्रातः काल एक वेबिनार में के माध्यम से हमने देखा सुना कि जो भी हम करते हैं इस भावना से करते हैं कि इदं न मम, इदं राष्ट्राय, इदं विश्वाय, यह विश्व के लिए है, कल्याण हो सबका, सबका भला हो, सब निरामय हो, सब सब से मुक्त रोग मुक्त भय मुक्त और जीवन स्वच्छ सबका शांत हो, इस ध्यान से कोई वैयक्तिक रुचि ना उसमें वैयक्तिक लाभ की दृष्टि तो हमारी कभी होती नहीं भारतीय संस्कृति में। आज इस विश्व संदर्भ में विश्व के कल्याण के लिए कोविड 19 से मुक्ति के लिए प्रार्थना के साथ यह जो व्याख्यान माला 12 दिनों की तक व्याप्त होने वाली इस व्याख्यान माला को हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ पूरा जो गण है जो तकनीकी सहायता करने वाले सभी को मैं साधुवाद देता हूं और डॉक्टर पंड्या जी जो आज इन 12 दिनों में हमें उन भगवत भक्ति सम्मिलित समेत जो भगवत अनुग्रह का प्रसंग है अनेक प्रसंगों से अवगत कराएंगे, हमें नहीं संपूर्ण विश्व को अवगत कराएंगे, उनको इस प्रसंग के लिए इस कार्य के प्रारंभ के लिए साधुवाद देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि ये इसको अनवरत इस कड़ी की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो और भगवत अनुग्रह इस प्रकार से बरसे कि भगवान श्री सोमनाथ के का प्रसाद इस रूप में संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो कि यह संकट हमेशा के लिए इस धरती से निश्चिन्न हो जाए और मानव इस त्रास से इस भय से मुक्त हो जाए और पुनरपि हमारा जीवन हमारी प्रक्रिया जीवन जो की पद्धति पुनः पूर्ववत सामान्य हो जाए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मुझे यह अवसर दिया गया इसको उद्घाटन करने के लिए। आज तकनीकी युग से विज्ञान को जैसा कि हमारे संचालक डॉक्टर पंकज जी ने बताया विज्ञान और ज्ञान का सम्मेलन है, ज्ञान का प्रसारण हम वैज्ञानिक रीति से दूरस्थ रीति से कर रहे हैं, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ और इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला का आज से 12 दिनों तक चलने वाली इस व्याख्यान माला का विधिवत औपचारिक रूप से तकनीकी रीति से मैं शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलपति साहब के लिए धन्यवाद प्रणाम करते हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम इसी भाव से
अब आदरणीय पूज्य गुरु जी को डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी को मैं निवेदन करता हूं कि इस व्याख्यान माला का वो शुभारंभ करें और विश्व कल्याण के आशय पर ये सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा होने जा रहा शुभ संकल्प आपके माध्यम से सफल हो ऐसी प्रार्थना के साथ गुरुचरण में निवेदन। धन्यवाद धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओ भगवते वासुदेवाय वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभार पीतांबरा अरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात्पित्तैः कण्ठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरातममुमुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्रीगोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्रियमने महाराणी की जय। श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की। श्री सोमनाथ भगवान की जय। परम कृपालु परमात्मा के अनुग्रह से भगवान श्री सोमनाथ जी की परमानुकंपा से और सद्गुरुजनों के आशीर्वाद से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला का यह आयोजन
हमारे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के नाना शास्त्र निष्णात परम पूज्य प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय जी की अनुकंपा से और श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलसचिव श्री डॉक्टर दशरथ जाधव जी की प्रेरणा से एवं उनके पुरुषार्थ से तथा पुराण संकाय के संकायाध्यक्ष और पुराण विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी की प्रेरणा से हम आज से 12 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्यान माला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो जीव भगवत सन्मुख होता है। श्रीमद् भागवत की यह विशेषता है कि इस ग्रंथ को श्रवण करने से भगवान में भक्ति प्रकट होती है। श्लोक दिया गया है, अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस भागवती सात्वत संहिता इसके श्रवण से श्रवण करते वक्त ही यहाँ श्रूयमाणायाम लिखा है तो श्रवण जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे श्रवण के समकाल श्रवण के समय में ही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति रुत्पद्यते पुंसः, ये श्रीमद् भागवत हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्वरूपा जो भक्ति है उसको प्रकट करने वाली संहिता है। अब भक्ति का विशेषण देते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है और भक्ति का सामर्थ्य क्या है। तो कहते हैं कि शोक मोह भयापहा, भक्ति शोक को निवृत्त करती है, शोक को दूर करती है, यह भक्ति मोह को दूर करती है और यह भक्ति भय को भी दूर करती है। हम हमारे जीवन में देखते हैं तो तीन प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख होता है जो भूतकाल से संबंध रखता है, एक दुख होता है जो वर्तमान काल से संबंध रखता है और एक दुख होता है जो भविष्य काल से संबंध रखता है। हमारे जितने भी संकट भूतकाल के हैं उनके आधार पर हमारे मन में शोक होता है और शोक के कारण दुख होता है। दूसरा, वर्तमान काल में जो विषय होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में हमारा मोह होता है, आसक्ति होती है और उस मोह के कारण, आसक्ति के कारण कुछ दुख होते हैं। और तीसरा दुख है वो भविष्य काल से संबंध रखने वाला है। भविष्य की चिंता को लेकर, भविष्य में क्या होगा इस आशंका को लेकर हमारे मन में कुछ चिंता भय दुख होता है। भविष्य काल के दुख को, चिंता को भय कहते हैं। भक्ति के लिए यहाँ कहा गया कि शोक मोह भयापहा, जिन भगवत कृपा पात्र जीवात्मा के अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो उसके हृदय से शोक की निवृत्ति होती है, मोह की निवृत्ति होती है और भय की भी निवृत्ति होती है। शोक हमेशा काल से संबंध रखता है, मोह वर्तमान काल के पदार्थों के साथ संबंध रखता है और भय भविष्य काल के संबंधित पदार्थों से होता है। तो भक्ति त्रिविध प्रकार के दुखों का नाश करती है और ऐसी भक्ति जब भगवान के चरण कमल में प्रकट हो जाती है तो जीवात्मा कृतकृत्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत ये भक्ति शास्त्र है, इसको सात्वत तंत्र भी कहते हैं, सात्वत संहिता भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं। तो
और भक्ति शास्त्र भी कहते हैं, पारमहंसी संहिता भी है। तो भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान के दिव्य धाम का, भगवान के दिव्य प्रागट्य का इसमें वर्णन किया गया है और दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि सामान्य जीव की तरह भगवान का अवतरण नहीं होता है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। हमारा जन्म कर्म प्राकृत होता है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। और जो भक्त भगवान के इस जन्म और कर्म को, लीला को दिव्य रूप में समझ लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य समझता है और मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो सुनता है, जानता है, तो उसको देह छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की ये दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत में गाए गए हैं और सुखदेव जी जैसे परमहंस ने इसका गान किया है, तो भगवान का चरित्र कितना अद्भुत होगा जो परमहंसों को भी आकृष्ट करता है। जिनको कहीं भी आसक्ति नहीं है उनको भी भगवान के चरित्र में तन्मयता, ममता, आसक्ति बनती है, ऐसा भगवान का दिव्य चरित्र है। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है, वो सबको आकृष्ट करते हैं, वैसे भगवान की कथा भी सबको आकृष्ट करने वाली होती है। श्रीमद् भागवत शब्द की जब हम व्युत्पत्ति देखते हैं, अर्थ देखते हैं, तो भागवत में जो विषय प्रतिपादित किया गया है उस प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप श्रीमद् भागवत में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र है, इसकी कथा है। भगवान के विविध अवतारों की कथा है, अनेक अवतार, दशावतार, 24 अवतार भगवान के होते हैं, उन अवतारों की कथा है। और तीसरा, भगवान के जितने भक्त हुए हैं उनमें प्रमुख प्रमुख भक्तों के चरित्र भी श्रीमद् भागवत में गाए गए हैं। भगवत भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से भी हमें हमारे जीवन में भक्तिमय जीवन जीने के लिए किस तरह विचार करना चाहिए, किस तरह की वाणी रखनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमें अवगत होती है, विदित होती है। तो इस तीनों प्रतिपाद्य विषयों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में भागवत शब्द की व्युत्पत्ति पूज्यपाद बड़ौदा के, गोलोकवासी शास्त्री जी हुए, बद्रीनाथ शास्त्री जी, वो भागवत शब्द की व्युत्पत्तिगत अर्थ की मीमांसा इस तरह से करते थे कि भगवांश्च भगवंतश्च भगवंतश्च इति भगवंतः और भगवताम इदं भागवतम। तो 3 बार, एक बार एक वचन में भगवान शब्द और 2 बार बहुवचन में भगवान शब्द का विग्रह करके फिर द्वंद्व समास किया, उसमें एक वचन वाला जो भगवान शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, भगवांश्च माने भगवान श्री कृष्ण, भगवंतश्च माने भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतार, और तीसरा भगवंतश्च शब्द कहते हैं वो भगवान के भक्तों को भी भगवंता कहकर निरूपण किया गया है, माने भगवद भक्त, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अवतार और भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इन सभी का चरित्र जिस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है वैसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। भगवताम इदम् भागवतम, ये बहुवचन
वाला षष्ठ्यंत बहुवचन पद से तद्धित करके भागवतम शब्द बनाया गया है और दूसरी विपत्ति भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं इस श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी चार श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने ही इस भागवत का श्रवण कराया था, फिर भगवद रूप ब्रह्मा जी ने नारद जी को कराया, फिर भगवद रूप नारद जी ने व्यास महर्षि को इसका श्रवण कराया, फिर व्यास महर्षि से भगवान शुकाचार्य जी ने इसका अधिगम इसकी प्राप्ति की और शुकाचार्य जी ने परीक्षित राजा को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। ये श्रीमद् भागवत की वक्ता और श्रोता की दिव्य अद्भुत परंपरा है। तो इसमें भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के उपसंहार के श्लोकों में भी यह श्लोक आता है कि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। यह श्रीमद् भागवत रूप जो ज्ञान प्रदीप है, ज्ञान रूप दिया है, ज्ञान रूप दीपक है, ये कस्मै माने ब्रह्मणे विधये ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। इन सभी सुनाने वाले के साथ तद्रूपिणा तद्रूपेण ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह भी वक्ता की भगवत रूपता का परिचायक है। तो भगवान के रूप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते थे तब उस सभा में सुत जी भी बैठे थे और सुत जी ने भी श्रीमद् भागवत का श्रवण सुखदेव जी के मुखारविंद से किया। वह श्रीमद् भागवत सुत पुराणी मुनि ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि थे उनकी सभा में इसकी प्रस्तुति की, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। और वहां सुत पुराणी मुनि बोलते हैं कि सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। सुत पुराणी मुनि शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिवरो, मैं भी सुखदेव जी महाराज की अनुकंपा से सुखदेव जी महाराज की सभा में बैठा था, प्रवेश मैंने पाया था और मैंने वहां श्रीमद् भागवत का अधिगम किया, प्राप्ति की। अहम चाध्य गमम तत्र निविष्टः, मेरा प्रवेश मेरी पात्रता से नहीं हुआ था लेकिन तदनुग्रहात् सुखदेव जी के अनुग्रह से मुझे वहां प्रवेश मिला था और मैंने वहां श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत को पिया, श्रीमद् भागवत को पाया और अब मैं वह श्रीमद् भागवत आपको सुनाऊंगा। लेकिन वक्ता सुत पुराणी मुनि की नम्रता का यहाँ दर्शन होता है। वे कहते हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, मैंने जिस प्रकार से अध्ययन किया है और जैसा मेरी मति में, जिस प्रकार से मेरी मति में मुझे समझ में आया है वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत ये तो विद्या भागवतावधि, श्रीमद् भागवत की महिमा को दर्शाने वाला यह भी एक वाक्य प्रसिद्ध है कि विद्या भागवतावधि, भागवत के उपासकों के लिए श्रीमद् भागवत की विद्या है और सभी विद्याओं की अवधि है। इसके उपसंहार में ये भी कहा सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसा मृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति ही क्वचित। श्रीमद् भागवत ये सर्व वेदांत उपनिषदों का सार है। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, ऐसा महात्म्य में भी कहा गया।
और उपसंहार में भी कहते हैं, सर्व वेदांत सार के रूप में भागवत अविष्ट है, श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य। इस श्रीमद् भागवत के रसामृत से जो तृप्ति को पाता है, तृप्त होता है, उसको अन्यत्र कहीं रति नहीं होती है। ये भागवत की महिमा का गान किया तो श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य है, लेकिन हम इतना ही सुना पाते हैं जितना हम जिस तरह से हमारी मति में बुद्धि में इसका प्रकाश होता है। तो हम भी हमारे विश्वविद्यालय के पूज्यपाद कुलपति जी के अनुग्रह से और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी गणों की प्रेरणा से और पुरुषार्थ से द्वादश दिन का यह सत्र द्वादश व्याख्यान के रूप में श्रवण कर रहे हैं। द्वादश संख्या भी इसलिए सुसंगत है कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं और भगवान वासुदेव का जो गायत्री मंत्र है, वासुदेव गायत्री मंत्र, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर गायत्री मंत्र, वासुदेव गायत्री मंत्र है और द्वादश संख्या को भी भगवद रूप माना है, इसलिए हम यहाँ द्वादश व्याख्यानों के रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। हमारी पुराण परंपरा रही है कि हम जिस ग्रंथ का श्रवण करते हैं उस ग्रंथ के महात्म्य को पहले सुनते हैं, क्योंकि महात्म्य श्रवण करने से उस ग्रंथ में श्रद्धा प्रकट होती है और उस ग्रंथ में आदर प्रकट होता है। श्रद्धा और आदर ये श्रवण के दो तट हैं। जैसे नदी के दो तट होते हैं, किनारे होते हैं, वैसे हमारी श्रवण सरिता है, इस सुभग सरिता के भी दो तट हैं। एक तट है श्रद्धा और दूसरा तट है सावधानता। इसलिए जब भी कोई वक्ता बोलता है तो श्रोता से दूसरी कोई अपेक्षा रखे कि न रखे, लेकिन ये अपेक्षा रखते हैं कि सावधान तया श्रुणु, आप सुनते हैं तो सावधानता से सुनो। जो श्रवण बिना सावधानता से किया जाता है वह सफल नहीं होता है, सावधानता से ही श्रवण सफल होता है। एक सूत्र आता है श्रीमद् भागवत में, प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से, अनवधान से, आलस्य से, गैर ध्यान से, बिना ध्यान से जो श्रवण किया जाता है वह श्रवण हतम माने निष्फल होता है, वो सफल नहीं होता है। हमारे न्याय दर्शन में एक बात आती है कि हम जब भी कोई ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञानार्जन की क्रिया करते हैं तो वहां मन का संयोग भी अत्यंत आवश्यक होता है। तर्क संग्रह ऐसा कहते हैं, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम। कोई भी चीज का प्रत्यक्ष माने ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान तब संभव होता है जब आत्मा का मन से संयोग हो, मन का इंद्रिय से संयोग हो और इंद्रिय का विषय से, पदार्थ से संयोग हो, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। विषयों में एक विषय शब्द भी है और इस शब्द का साक्षात्कार श्रवण के रूप में तभी हो सकता है जब हमारा मन सावधान हो। तो हमारी श्रद्धा बने शास्त्र में, और जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसकी उतनी निष्ठा होगी। उपनिषद यह सूत्र देता है कि श्रद्धया कृतम वीर्यवत्तरम भवति, जो भी कार्य हम श्रद्धा के साथ करते हैं तो वह बहुत मजबूत होता है, वीर्यवत्तर होता है माने बहुत शक्तिशाली होता है, फल देने में समर्थ होता है। तो महात्म्य का श्रवण अवश्य ही ग्रंथों के आरंभ में किया जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत है, इस दृष्टांत में ऐसा कहते हैं कि एक रास्ते में सच्चा हीरा पड़ा हुआ है और वहां से तीन व्यक्ति पसार होते हैं
उस रास्ते से जिस रास्ते में ये असली हीरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसका ध्यान ही उस हीरे के ऊपर नहीं पड़ता है, दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसका ध्यान तो उसके हीरे के ऊपर पड़ता है, लेकिन हीरे का ऊपर ऊपर से दर्शन कांच के जैसा होता है, तो हीरे को हीरा न समझते हुए कांच का टुकड़ा समझ लेता है और वहां से वो गुजर जाता है। और तीसरा व्यक्ति जाता है, वो जौहरी होता है, हीरा का पारखू होता है, हीरा की परीक्षा करने वाला होता है, रत्न का जानने वाला है, वो जब जाता है और उसकी दृष्टि उस हीरे के ऊपर पड़ती है तो वह रुक जाता है, झुक जाता है और बहुत महत्व बुद्धि से उस हीरे को ग्रहण करता है। कोई भी ग्रंथ रत्न के बारे में भी यह दृष्टांत है। ग्रंथ के भीतर से या ग्रंथ के पास से तीन लोग गुजरते हैं। एक तो पहला व्यक्ति है जो गुजरा लेकिन उसकी दृष्टि उस हीरे के ऊपर नहीं पड़ी, वो अज्ञानी है। और दूसरा है जिसने हीरे को देखा तो सही, लेकिन हीरे को हीरा नहीं समझा, कांच समझ लिया, तो वह ज्ञानी तो है लेकिन उसका ज्ञान सत्य नहीं है, उसकी समझ सत्य नहीं है, वो अन्यथा ज्ञानी है। और तीसरा जो हीरे को जानता है, देखता है और आदर के साथ ग्रहण करता है, उसको ज्ञान भी है और वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो तीसरे व्यक्ति ने हीरे की महिमा को जाना, और महिमा को जाना इसलिए वो झुक भी गया, रुक भी गया और उसको आदर के साथ स्वीकार भी किया। तो कोई भी ग्रंथ हो, हमारे वेद शास्त्र के ग्रंथ हो, उपनिषद हो, अन्य अन्य जितने भी सद ग्रंथ है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, चैतन्य की ओर ले जाए और हमारा जो भीतरी स्वरूप गुप्त आनंदमय है, उस आनंद को प्रकट करने वाले जो सदग्रंथ है, उन ग्रंथों के प्रति हम जब महात्म्य को सुनते हैं तो हमारी भक्ति उसमें हो जाती है। भक्ति का लक्षण भी यह दिया गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्तः तया मुक्तिर न चान्यथा। ये भक्ति का स्वरूप बताया गया कि भक्ति भी स्नेह का नाम है, और वह स्नेह कैसा होना चाहिए तो कहते हैं कि एक तो सुदृढ़ स्नेह होना चाहिए, दृढ़ स्नेह होना चाहिए। एक बार तो दृढ़ आश्रय हुआ तो फिर उसको छोड़े नहीं। और दूसरी बात, दृढ़ भी होना चाहिए और सर्वतोधिक सबसे ज्यादा स्नेह हमारा परमेश्वर में हो, परमेश्वर के परिचायक परमेश्वर रूप सद ग्रंथ में हो। और तीसरा कहते हैं कि ये तो तभी संभव होता है जब हम उसकी महिमा को जानते हैं, महात्म्य को जानते हैं। इसलिए हमारे कोई भी छोटे बड़े ग्रंथ हो, यहाँ तक कि कोई छोटा सा स्तोत्र हो, तो भी उसके आरंभ में या अंत में या दोनों ओर हम महात्म्य का संपुट देते हैं। जैसे विष्णु सहस्र पढ़ेंगे तो उसके आरंभ में भी महात्म्य आएगा और अंत में भी महात्म्य आएगा। तो महात्म्य से ग्रंथ को संपुटित किया जाता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी महात्म्य का दर्शन कराया है। हम इस महात्म्य के अध्यायों का श्रवण करेंगे। हमारे माननीय पूज्य कुलपति जी ने इस महात्म्य के प्रथम श्लोक का मंगल गान करते हुए इसका मंगलाचरण कर दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम नमस्कार करते हैं, वयम् नमः, हम नमस्कार करते हैं, हम स्तुति करते हैं, अणुस्तुतौ।
भगवान के गुणों का गान करना ये नवन है, स्तवन है। स्तुतिर गुणगानम, भगवान के दिव्य गुणों का हम गान करते हैं। यहाँ बहुवचन का शब्द भी दिया है, वयम नुमः, हम सब वक्ता और श्रोता भगवान को प्रणाम करते हैं। वो किस भगवान को प्रणाम करते हैं? तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं। नुमः शब्द का नमस्कार भी अर्थ अंतर्निहित होता है, लेकिन व्याकरण की परंपरा के अनुसार अणुस्तुतौ, अणु धातु है अदादि गण का, उसका वर्तमान का लट लकार का, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। नवमी नुवः नुमः, तो वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं। वक्ता और श्रोता, गुरु और शिष्य, सब भगवान का गुणगान करते हैं, इस अर्थ में किया है। और किसका हम गुणगान करते हैं? श्री कृष्णाय, हम भगवान श्री कृष्ण के गुण गाएंगे। श्री कृष्ण का भी एक विशेष अर्थ दिया, श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण, मध्यम पद लोपी समास करते हुए ये कहा, लक्ष्मी सहित कृष्ण माने लक्ष्मी नारायण, या श्री का एक अर्थ राधा भी किया, और राधा सहित श्री कृष्ण, शक्ति सहित शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, इसके हम गुणानुवाद करेंगे। व्याकरण के नियमों के अनुसार तो नुमः क्रियापद का कर्म होने से श्री कृष्ण शब्द द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए, लेकिन एक प्रयोग आता है नृसिंहाय नमस्कुर्मः, तो वहाँ नृसिंहम अनुकूलयितुम, नृसिंहम प्रसादयितुम नमस्कुर्मः, ऐसा अर्थ है। उसी तरह यहाँ भी श्री कृष्णम प्रसादयितुम, श्री कृष्णम अनुकूलयितुम वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता हम पर बनी रहे, इसलिए हम भगवान के गुण गाते हैं। ने हमारी जिह्वा का प्रमुख प्रयोजन है भगवद गुणानुवाद, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्त, स्मृत्याम मन शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ने संयुक्त रूप से भगवान की स्तुति करते हुए ये मांगा था कि हम जगत के विषय में बहुत बोले, लेकिन प्रभु आपका दर्शन करने के बाद अब हम आपके गुणानुवाद गाए। तो वाणी का एक फल है, प्रमुख फल भगवान का गुणगाना। सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु श्रुणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। कान वही कान है जो भगवान की कथा सुने, वाणी वही वाणी है जो भगवान के गुण गाए, कर वही कर हैं जो भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इस तरह से इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा में है, और हम भी वाणी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये गुणगान करते हैं। यद्यपि भगवान हमारी वाणी से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ने सत्व गुण में निरंतर बहने वाले और जिनके मुखारविंद से सत्व गुणी वाणी का प्रवाह निरंतर बहता है, उन ब्रह्मादियों की वाणी भी भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकती है। फिर भी जो बालक कहतो तरी बाता तदपि मुदित हुई होई तू अरु माता, जो बालक तोतली भाषा में, कलकल गिरा में, काकली गिरा में यदि माता पिता के समक्ष कुछ बोलता है तब भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान तो विश्व के माता पिता हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वह, भगवान माता भी हैं, माता दाता पिता माँ, भगवान सब कुछ है। तो भगवान भी हमारी इस वाणी से प्रसन्न होंगे, उसको अनुकूल करने के लिए हम भगवान के गुणगान गाते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी की ओर की प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं होती है, और भगवान की यदि प्रसन्नता नहीं होती है
तो औरों की प्रसन्नता से भी कुछ बनने वाला नहीं है। मई प्रसादम करुणे कटाक्षर बंशी निनादा अनुचरेर विधेहि त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर नह त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर नह। भक्त भगवान से कहता है कि भगवान आप बंशी निनाद के अनुगामी मधुर कटाक्षों से हमारी ओर देखें, हमारी ओर प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि करें। यदि आप प्रसन्न हो गए तो दूसरों से क्या मतलब है। त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर नह अपरे ही न किम प्रयोजन। और त्वयि अप्रसन्ने यदि आप प्रसन्न नहीं है तब भी किमिहा परेर नह नह हमारे लिए दूसरों से क्या फल सिद्ध होने वाला। तो भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं, और हम भी कोई भी कर्मकांड करेंगे तो उसके अंत में एक जैसे किसी भी कर्म के आरंभ में भी संकल्प होता है कि हम ये करेंगे, और कर्म पूरा होने के बाद कर्म समर्पण का संकल्प होता है, और उस संकल्प में हम अवश्य बोलते हैं कि अनेन कृतेन कर्मणा भगवान परमेश्वरः प्रियतां नमः। ये जो हमने काम किया है, कर्म किया है, उस कर्म से भगवान हम पर प्रसन्न बने, ये सभी कर्मों का प्रयोजन रहता है। और अर्जुन भी ये कहते हैं कि गीता के अंत में कि आपकी प्रसन्नता से मैंने ये सब कुछ पाया है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम गुणगान करके प्रसन्न करें। ये भगवान कैसे हैं इसका परिचय इस प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक दिया गया है उसमें कहा है। किसी भी व्यक्ति का और वस्तु का परिचय उसके स्वरूप से, उसके सामर्थ्य से और उसके स्वभाव से होता है। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान के स्वरूप का परिचय है। भगवान सत्य सनातन है, और कुछ आएगा मिटेगा बदलेगा, लेकिन भगवान निर्विकार है और सत्य सनातन है। भगवान चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ ज्ञान होता है, जिसके अंतःकरण में भगवान होते हैं वहाँ ज्ञान होता है, और भगवान जिसको भी स्पर्श कर लेते हैं उसके हृदय में भी ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे ध्रुव जी के कपोल में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो 5 वर्ष के ध्रुव के हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, जो अद्भुत उपनिषद ज्ञान है। तो भगवान जहाँ होते हैं वहाँ ज्ञान होता है, भगवान का संबंध जिसको होता है उसको भी ज्ञान हो जाता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। कृष्ण शब्द का तो अर्थ ही सदानंद होता है। कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने सदा, सर्वदा, हमेशा, नित्य, और ण माने निर्वृति, एक तकार वाला ती, निर्वृति है ना। निर्वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति रहित ऐसा अर्थ होगा, और निर्वृति माने परम सुख, परम आनंद, ये परम संतोष, ये निर्वृत्ति रूप। तो नश्च निर्वृत्ति वाचक, परम आनंदमय सुखमय, ये निर्वृत्ति वाचक अण शब्द है। इन दोनों के संयोग से कृष्ण शब्द बना है, और इसका समुदित अर्थ होता है कि सदा के लिए आनंद में रहने वाले भगवान, और भगवान की शरण में जो भी भक्त जाते हैं उनको भी भगवान सदा आनंद में रखते हैं। हम श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं, तब ये भगवान के चरित्र में उनकी आनंदमयता कैसी है उसका दर्शन होता है। सोने की द्वारका जब बनती है तब भी मुखारविंद पर जो भाव है वही भाव सोने की द्वारका जब समुद्र में डूब जाती है तब भी है। तो सृष्टि में और उपसंहार में दोनों वक्त उनके मुखारविंद में, हृदय में आनंद ही आनंद है। इसलिए नारद पंचरात्र में यह श्लोक आया है, आनंद मात्र कृपाद मुखोद्रा। भगवान के सभी श्री अंग आनंदमय होते हैं,
मधुराधिपते अखिलम मधुरम, आनंदमयो भ्यासार, भगवान आनंदमय है। और भगवान श्री राम के जीवन में भी हम इसका दर्शन करते हैं। उनको राज्याभिषेक का जब समाचार मिला, तब जो स्थिति थी वही स्थिति, वन में जाने का जब समाचार मिला तब भी वही है। आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च नमया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। हमने थोड़ा सा भी भगवान राम के अरविंद पर आकार में विभ्रम परिवर्तन नहीं देखा राज्याभिषेक के समय पर और वनवास के समय पर। तो ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है और भगवान का सामर्थ्य विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करने का है। ये भगवान का सामर्थ्य परिचय। और स्वरूप अच्छा हो, सामर्थ्य भी हो, लेकिन स्वभाव परोपकारी हो, तभी कोई माननीय और वंदनीय बनता है। तो भगवान के स्वभाव का परिचय दिया है। भगवान का एक स्वभाव है जीवात्माओं के तापत्रय का विनाश करना। भगवान का स्वभाव है, भगवान को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है कि हमारे तापत्रय का विनाश करें, उनका तो स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है बिना कहे ही करते हैं, वो उनका स्वभाव है। तो हम भी भगवान के चरण कमल में ये स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज 6 बज गए हैं तो हम यहाँ विराम लेंगे। ये आज का मंगलाचरण का व्याख्यान हुआ और आगे हम इसी प्रकार से जैसी जैसी भगवान की और सद्गुरु महाराज की करुणा रहेगी उस हिसाब से श्रीमद् भागवती यात्रा में प्रस्थान करेंगे और इस रसामृत सागर से हम भी अपनी शक्ति के अनुसार रसामृत का आचमन करेंगे। पूज्य चरणों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।